नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। इंडियन नेशनल लोकदल की लड़ाई अब सड़कों पर नजर आती दिखाई दे रही है। आज दोपहर जहां इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इनसो की स्टूडेंट विंग इनसो की इकाई को तुरंत प्रभाव से भंग करने के आदेश दिए, वहीं शाम होते होते इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उनके पोते दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपने कार्यकर्ताओं को एक वायरल वॉइस मैसेज के माध्यम से यह कह दिया है कि इनसो को कोई भंग नहीं कर सकता, क्योंकि वह सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है और ना तो कोई कार्यकारिणी की बैठक हुई है और ना ही किसी ने उसे भंग किया है। इसके साथ हम उनका जो वॉइस मैसेज है जो वायरल हो रहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इसी के साथ हम आपको बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसको हम आपको दिखाएंगे। वह आदेश भी आपको दिग्विजय सिंह चौटाला ने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा है, वह भी पल पल चंडीगढ़ के माध्यम से हम आपको विशेष रिपोर्ट में दिखाएंगे। जो इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति चंडीगढ़ से भेजी गई थी उसमें जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इनेलो की युवा इकाई को और इंडियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इनसो की राष्ट्रीय एवं राज्य कार्यकारिणी को तुरंत प्रभाव से भंग कर दिया है, ये इसमें प्रेस विज्ञप्ति में खास कर लिखा गया है। वहीं उन्होंने लिखा है कि पार्टी की इन युवा शाखाओं ने एस अनुशासनहीनता के कारण और पार्टी के आदेशों के विरुद्ध काम करते हुए पाया गया था। गोहाना में 7 अक्टूबर को हुई जननायक चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस पर सम्मान समारोह की रैली में पार्टी की युवा इकाई की तरह अपनी भूमिका निभाने में असफल रही है। दूसरी तरफ यह पाया गया था कि इनसो पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। इसके अलावा इनसो पर यह भी आरोप लगा कि पार्टी विरोधी शक्तियों से मिलकर के षड्यंत्र करते हुए उपरोक्त रैली में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश की गई और इनसो की शाख को बट्टा लगाने का भी प्रयास किया गया। यह इंडियन नेशनल लोकदल की जो प्रेस विज्ञप्ति है उसमें ये लिखा हुआ है जो चंडीगढ़ से जारी हुई है। इसी के साथ हम आप देख रहे हैं चंडीगढ़ पल पल से ये खास रिपोर्ट। कोई भी साथी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया दे, इनसो को भंग नहीं किया जा सकता। इनसो जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और इनसो के फैसले या तो इनसो की स्वयं कार्यकारिणी ले सकती है या इनसो के फाउंडर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ले सकते हैं। ऑफिशियली आपकी कोई कार्यकारिणी बिल्कुल नहीं हुई है और ना ही उसको भंग नहीं किया जा सकता। इनसो जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है और इनसो के फैसले या तो इनसो की स्वयं कार्यकारिणी ले सकती है या इनसो के फाउंडर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ले सकते हैं। तो ऑफिशियली आपकी कोई कार्यकारिणी अभी भंग नहीं हुई है और ना ही उसको सिवाय इन दोनों तरीकों के कोई तीसरा तरीका भी कर सकता, इसलिए आप लोग हौसले में रहें, शांति बनाए रखें और कोई रिएक्शन ना करें। आप मजबूत लोग, कोई भी साथी किसी भी तरह की